2.3 मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अवयवों की प्रकृति और उसकी आपस में क्रिया के आधार पर विभिन्न प्रकार के मिश्रण बनते हैं। आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा समझें। क्रियाकलाप 2। कक्षा के विद्यार्थी क, ख, ग, घ समूहों में बट जाएं। समूह क बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें 1 चम्मच नमक मिलाएं। समूह ख बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें 1 चम्मच शक्कर मिलाएं। समूह ग बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें 1 चम्मच चौक पाउडर मिलाएं। समूह घ बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें 10 ml खाने का तेल मिलाएं। प्रत्येक समूह कांच की छड़ की सहायता से बीकर के पदार्थों को मिलाएं तथा उसके बाद उसे कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ दें। सभी समूह बीकरों में रखे नमूनों का अवलोकन कर इन प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न 1। किस किस बीकर में अवयव पूरी तरह से मिश्रित होकर एक सार दिखाई दे रहे हैं? प्रश्न 2। किस किस बीकर में अवयवी पदार्थ अब भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? आपने देखा कि समूह क तथा ख को ऐसा मिश्रण प्राप्त हुआ जिसके अवयव पूरी तरह से एक सार अर्थात समान रूप से वितरित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मिश्रणों को समांगी मिश्रण कहते हैं। समूह ग तथा घ को जो मिश्रण प्राप्त हुआ है उसमें अवयवी पदार्थ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं अर्थात समान रूप से वितरित नहीं हैं। ऐसे मिश्रणों को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। आइए समांगी तथा विषमांगी मिश्रण के गुणों को जानने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 3। कक्षा के विद्यार्थी पुनः क, ख और ग में बट जाएं। समूह क बीकर में 100 ml जल लेकर 1 चम्मच नमक मिलाएं। समूह ख बीकर में 100 ml जल लेकर 1 या 2 बूंद दूध या स्याही मिलाएं। समूह ग बीकर में 100 ml जल लेकर 1 चम्मच चौक पाउडर मिलाएं। प्रत्येक समूह कांच की छड़ की सहायता से पदार्थों को जल में अच्छी तरह से मिलाएं तथा अवलोकन करें कि किस बीकर में कण जल में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब लेजर टॉर्च से प्रकाश की किरण को क्रमशः क, ख, ग बीकर में डालें और उसे प्रकाश किरण के लंबवत दिशा से देखें। किस किस बीकर में प्रकाश किरण का मार्ग चित्र के अनुसार दिखाई दे रहा है? पहले बीकर में नमक का विलयन, दूसरे बीकर में दूध तथा पानी का मिश्रण तथा तीसरे बीकर में चौक पाउडर तथा पानी का मिश्रण है। अब तीनों बीकर को 15 मिनट तक स्थिर छोड़ दें, फिर अवलोकन करें कि किस किस बीकर में मिश्रण स्थिर है तथा किसमें कुछ समय बाद कण नीचे बैठने लगते हैं। तीनों बीकर के मिश्रणों को अलग अलग छन्ना पत्रक की सहायता से छाने तथा नोट करें कि किस छन्ना पत्र पर कुछ शेष बचा है। इन तीनों मिश्रणों के गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि समूह क के मिश्रण में अवयवों के कण दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनमें प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसके अवयवी कण तली में नहीं बैठते हैं और उन्हें छान कर अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रण को विलयन कहते हैं। इनमें अवयवी कण समान रूप से वितरित रहते हैं। समूह ख के मिश्रण में अवयवों के कणों को देखा तथा छाना नहीं जा सकता है और न ही कोई कण तली में बैठता है, लेकिन समूह क के विपरीत इस बीकर में प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इस प्रकार के मिश्रण को कलिल या कोलाइड कहते हैं। समूह ग के मिश्रण में अवयवी कणों को छानकर अलग कर सकते हैं, साथ ही कुछ देर रखने पर यह कण तली पर बैठ जाते हैं। इस बीकर में कण इतने बड़े होते हैं कि न सिर्फ ये प्रकाश की किरणों को बिखेर देते हैं बल्कि कण दिखाई भी देते हैं। ऐसे मिश्रण को निलंबन कहते हैं। क्रियाकलाप 2 और 3 के आधार पर हमने जाना कि दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है तथा विषमांगी मिश्रण कोलाइड अथवा निलंबन होता है। आइए विलयन, कोलाइड तथा निलंबन को विस्तार से समझें।